पांच धर्मों वाली बहुओं का 15 अगस्त। रेखा अपने 5 बेटों और पति के साथ रहती थी। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ही शिवानी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। शिवानी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। अरे बहू, तूने माँ दुर्गा की आरती कर दी है क्या? जी माँ, मैंने सबसे पहले माँ दुर्गा को भोग लगाकर आरती ही की थी। हाय, कौन से अच्छे कर्म हो गए थे मुझसे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। शिवानी शर्माने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ माँ कि कौन आया है। शिवानी ने दरवाजा जैसे ही खोला वो हक्की बक्की रह गई। दरवाजे पर उसके चारों देवर एक एक लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। देवर जी, क्या बात है बहू, कौन है? आप खुद ही देख लो। शिवानी की बात सुनकर रेखा जल्दी से दरवाजे पर आई और वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई। दरअसल रेखा के चारों बेटों भी लव मैरिज करके अपने साथ अपनी अपनी बीवियों को लेकर आए थे। मजे की बात ये थी कि वो चारों ही अलग अलग धर्मों की लड़कियां लाए थे। एक मुस्लिम थी तो दूसरी सिख, एक ईसाई थी तो दूसरी बुद्धिज्म। अरे ये किन नौटंकियों को लेकर आ गए हो? माँ, ये सभी आपकी बहुएं हैं और आप इन्हें अपनाने से मना नहीं कर सकती हो क्योंकि आपने भैया की पसंद को भी अपनाया है। अपने बेटों की बात सुनकर रेखा कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपनी चारों अलग अलग धर्मों की बहुओं को अपना लिया। उसके बेटे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस यूनिवर्सिटी में दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। बस वहीं पर रेखा के बेटों को उन लड़कियों से प्यार हो गया और वो बिना कुछ सोचे उन्हें अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आए। रेखा का घर पचरंगा हो गया। उसके घर में 5-5 धर्मों की बहुएं थी। अलग अलग धर्म से होने की वजह से उन सभी का एक दूसरे से मिजाज मेल नहीं खा पा रहा था। स्टेला, पैमा, ये तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? यहाँ घर में ससुर जी हैं, तुम्हारे जेठ हैं और देवर भी हैं। इस तरह इतने छोटे कपड़े पहनकर यूं बेहयाई न दिखाओ। अरे तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? एक लड़की जो चाहे वो पहन सकती है। बिल्कुल सही, और वैसे भी हम कब बोल रहे हैं कि तुम इन्हें पहनो। देखो, एक लड़की कुछ भी पहन सकती है लेकिन माहौल के हिसाब से। तुम्हारे ये कपड़े मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं। जस्ट शट अप, अगर ऐसा है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तभी वहाँ पर शिवानी भी आ गई। वैसे हुमेरा बोल तो सही रही है, हमारे परिवार में घर की औरतें इतने कम कपड़ों में नहीं रहती हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम आपसे अपने ऊपर कमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, सो प्लीज आप कुछ ना ही बोलें तो अच्छा रहेगा। दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं शांत हो गई। घर में इन बातों पर नोकझोंक होना अब बिल्कुल आम सी बात हो गई थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि अब 15 अगस्त आने वाला था। बहू, जानती हो 15 अगस्त आने वाला है। अरे हाँ माँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। सच में माँ, हम बहुत अच्छे से जश्न मनाकर इसे सेलिब्रेट करेंगे। उनकी बातें सुनकर सिख बहू गुरलीन बोली, 15 अगस्त तो हर साल ही आता है, इसमें क्या खास बात है? मुझे खुद कोई खास बात नहीं लगती। नथिंग स्पेशल। अरे बुद्धू, ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद, दिवाली, बैसाखी और क्रिसमस एक तरफ और ये 15 अगस्त एक तरफ। ये त्योहार धर्मों का नहीं बल्कि भारत के वासियों का है। ये सारी महान महान बातें मेरे तो सर के ऊपर से जाती हैं। प्लीज मुझसे कोई 15 अगस्त सेलिब्रेट करने को मत बोलना। सेम। ओ जी, मैं भी इन सब में ना रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं लेती हूँ। मैनू भी तंग ना करना। अपनी तीनों बहुओं को अपने देश के प्रति इतना कम देशभक्त देख रेखा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। अम्मी मायूस न हो, इन्हें 15 अगस्त की अहमियत एक दिन जरूर समझ आएगी। हाँ बहू, लेकिन कैसे? मेरे पास एक विचार है। शिवानी ने अपना आइडिया अपनी सास और देवरानी को बताया। सभी को उसका प्लान बहुत पसंद आया। हाँ बहू, हो सकता है कि ये तरीका इनके मन में देशभक्ति की भावना को जगा दे। देखना, ये जरूर काम करेगा। फिर क्या था, अगले दिन से तीनों सास बहू ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। रेखा हर रोज शाम को 6 से 7 बजे तक अपनी छोटी बहुओं को देशभक्ति की भावना जगाने वाली महापुरुषों के किस्से सुनाती थी। गुरलीन आ जाओ, माँ बुला रही हैं। तुसी जान लो, असी नहीं जाना। रोजाना एक एक सी गल से मेरा दिमाग दुख रहा है। तुसी चाहो या ना चाहो, आना तो पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ पैमा, स्टेला, माँ बुला रही हैं। नो, मैं नहीं जाना। अरे जल्दी करो, आज तो बाबा भी हमें कुछ मजेदार किस्से सुनाएंगे। ओह माय गॉड,
पैमा और गुरलीन तो चली गईं, लेकिन अभी क्रिश्चियन लड़की स्टेला बाकी थी। आ जाओ स्टेली। डोंट चेंज माय नेम, अंडरस्टूड? ये पर अभी जल्दी से नीचे आ जाओ, बाबा बुला रहे हैं। शिवानी किसी तरह मना कर स्टेला को भी नीचे ले गई। उसके ससुर ने अपनी पांचों बहुओं को बड़ी ही मन से अमर शहीद भगत सिंह का किस्सा सुनाया और देश की आजादी से पहले की संघर्षों और आजादी का महत्व समझाया। अब उन तीनों को भी इन सब में दिलचस्पी आ रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करती थी। इसी तरह सिलसिला चलते चलते दिन बीत गए और आज 15 अगस्त था। बहू, इतने दिनों की मेहनत लगता है बेकार गई। इन तीनों में तो शायद रत्ती भर भी देशभक्ति की भावना नहीं जागी है। अम्मी जान, देशभक्ति की भावना अगर ऐसे जागने लगती तो बड़े से बड़ा आतंकवादी देशभक्त बन जाता। ये चीज तो अंदर से ही होती है, लेकिन आप मायूस ना होना, हम आज बड़ी ही धूमधाम से 15 अगस्त मनाएंगे। दोनों बहुएं मिलकर 15 अगस्त की तैयारियां करने लगी। हुमेरा ने घर को तिरंगे पर्दों से सजाया और शिवानी ने घर के गार्डन में बड़ा सा तिरंगा झंडा लगा दिया। तिरंगे फूल और तिरंगी सजावट से पूरा घर खिल उठा था। आह, कितना सुंदर, माशाल्लाह। हुमेरा, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। शिवानी और हुमेरा दोनों जाकर तैयार होने लगी। उनकी दोनों देवरानियों ने जब घर को देखा तो उन्हें भी कुछ महसूस हुआ। हमारी हिंदू मुस्लिम जिठानियों ने मिलकर सब कुछ कितने अच्छे से सजाया है। आज के दिन तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, तो क्यों ना हम भी। ओ जी, चलो चलते हैं। स्टेला, पैमा और गुरलीन भी अपने अपने कमरों में चली गईं और तैयार होकर नीचे पहुंची। उन्होंने तिरंगी चूड़ियां पहनी और तिरंगे सूट से खुद को सजाया। स्टेला और पैमा को पहली बार भारतीय स्टाइल के कपड़ों में देखकर रेखा, शिवानी और हुमेरा हैरान और खुश हो गए। कैसी लग रहे हैं हम? बहुत प्यारे। आज किसी धर्म का नहीं बल्कि इंसानियत का, इस देश के वासियों का त्योहार है ना? तो चलो सभी मिलकर शहीदों को सलामी देते हैं। पूरे परिवार ने मिलकर झंडा फहराया और साथ ही राष्ट्रगान गाया। 15 अगस्त को खुशी से मनाया। उस दिन के बाद से पूरा परिवार बंद गया और पांचों बहु एक दूसरे की भावनाएं और विचारों को समझने लगी। 15 अगस्त ने धर्मों का मेल खत्म कर इंसानियत को जगाया था। तभी तो कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। तो एक बार सभी धर्मों के लोग मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय। सुमित्रा देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रघु, छोटा बेटा अनिल। सुमित्रा अपने बड़े बेटे रघु की शादी गरीब घर की अंकिता से कर देती है, क्योंकि वो खुद भी गरीब थी और बहू के ससुराल से दहेज न लाने पर सुमित्रा देवी उससे और चिढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन अंकिता बाजार जाती है और सास के लिए एक चप्पल लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए, देखिए मैं आपके लिए सुंदर सी चप्पल लेकर आई हूँ। मुझे ये सेल में मिल गई थी, पूरे 80 रुपए में है, अच्छी है ना? इतनी घटिया चप्पल तू ही मुझे पहना सकती है, गरीब कहीं की। लाई भी है तो ये लाई है मेरे लिए। अरे अपने माँ बाप से दहेज में सोना चांदी क्यों नहीं लेकर आई? ना एक के जोड़े कपड़े रखवाए, ना एक अंगूठी धरी, गरीब कहीं की। चली जा मनहूस मेरे सामने से। माँ जी, आपकी चप्पल खराब हो गई थी, इसीलिए मैं ये लेकर आई थी। और आप तो जानती हैं मेरे माता पिता कितने गरीब थे, उनसे जो बन सकता था उन्होंने मेरी शादी में दिया, फिर किस बात की कमी रह गई अब। चुप रहे, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, आई बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। अरे मेरे कर्म फूट गए थे जो मैंने इतने गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, पर अब अपने छोटे बेटे की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करवाऊंगी। कम से कम दहेज में हीरे जेवरात एसी तो लाएगी, और ये जो चप्पल आई है ना, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहन लूं। सुमित्रा अपनी बड़ी बहू को इस कदर ताना देती है कि अंकिता की आंखों में आंसू बह जाते हैं और दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। वो सुमित्रा अपने छोटे बेटे अनिल के लिए पंडित जी से कहकर एक अमीर घराने की लड़की ढूंढ लेती है जिसका नाम मोहिनी होता है, और फिर एक महीने के भीतर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दुल्हा दुल्हन दरवाजे पर खड़े थे। अरे मेरी प्यारी बहू आ गई, ए नासपीटी, जा जाकर आरती की थाली लेकर आ, मुझे अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करना है। जी माँ जी। फिर अंकिता आरती की थाली ले आती है और सुमित्रा अपनी नई बहू की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन नई बहू खूब महंगी बनारसी साड़ी में तैयार हो जाती है और सास के पैर छूती है। अरे वाह मेरी बहू, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है,
सबसे ज्यादा तेरी साड़ी और तेरे गहने तो और भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मुझे इन सब चीजों का बहुत शौक था बचपन से, और अब जब शादी हो गई है तो मैं चाहती हूँ पन ठन कर ऐसे रहूं। बनारसी साड़ी तो मुझे काफी पसंद है, जानती हैं आप ये एक बनारसी साड़ी कितने की है? पूरे 40,000 की। इसके एक एक धागे पर काम है। अरे मोरी मैया, इतनी महंगी साड़ी, वो भी एक, इस 40,000 में तो मैं 40 साड़ी ले आती। क्लास है माँ जी, क्लास है मेरा। अरे देवरानी जी, आपकी बनारसी साड़ी तो काफी सुंदर है और महंगी लग रही है, आप आएंगे नहीं रसोई में अपनी पहली रसोई की रसम करने के लिए? माँ जी, इतने अमीर घर से आई हूँ, अब यहाँ आकर इतनी जेवर पहनकर मैं ये बावर्ची का काम करूँगी क्या? अगर मेरी महंगी बनारसी साड़ी खराब हो गई तो? नहीं नहीं मेरी बहू, ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। ए नासपीटी करमजली, मेरी अमीर बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी, जाकर रसोई में काम खुद ही संभाल, समझी? मोहिनी और सुमित्रा अंकिता की बहुत बेइज्जती कर देती हैं, जिसे वो रोते हुए रसोई में काम करने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मोहिनी रोज रोज महंगी बनारसी साड़ियां पहना करती थी, जिस वजह से वो अक्सर घमंड में रहती थी और अंकिता की गरीब साड़ी देखकर बेइज्जती करती थी, तो कभी मजाक उड़ाती थी। मोहिनी कभी अपनी बनारसी साड़ी में घर से बाहर निकलती थी तो आस पड़ोस के लोग उसे देखते ही रह जाते थे। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन रेवती सुमित्रा के पास आती है। अरे कैसी है सुमित्रा? मैं ठीक हूँ, तू बता। बस मैं भी बढ़िया हूँ। मेरे बेटे की शादी की सालगिरह है तो तेरे परिवार को इनवाइट करने आई थी, सब टाइम से परसों आ जाना। ठीक है आ जाएंगे। अरे मोहिनी बहू, आज भी तूने काफी महंगी साड़ी पहनी है, कहाँ से लाती है ऐसे तू? क्या बताऊँ आंटी, खास बनारस से आती है, वो भी मैं ऑर्डर पर बनवाती हूँ। सही है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिर परसों घर के सभी लोग रेवती के इनविटेशन पर उसके घर जा रहे थे तो गरीब जेठानी देवरानी के पास जाकर कहती है, देवरानी जी आप तो तैयार हो गई और आपके पास बहुत सारी बनारसी साड़ियां हैं, मुझे एक साड़ी दे दीजिए जो मैं आज पार्टी में पहन जाऊं। वो क्या है ना, मेरे पास है नहीं। आई नो, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो इतनी महंगी साड़ी कहाँ से लाएंगी, और आपकी कोई औकात नहीं है जो मेरी 30-40 हजार की बनारसी साड़ियों को पहने, इसीलिए मैं आप जैसे गरीब को अपनी बनारसी साड़ी बिल्कुल नहीं दूंगी, पुरानी भी नहीं, और आपको वहाँ पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इंसल्ट हो गई तो? बस देवरानी जी बस कीजिए, और आप कितना मुझे सुनाएंगी? ओ बेचारी जेठानी जी को बुरा लग गया, अब गरीब हो तो यही सुनने को मिलेगा। अरे क्या हुआ मोहिनी बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, तू चल इसको साथ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंकिता तू घर का ख्याल रख। फिर सास बहू अंकिता को घर पर छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। एक दिन बाद अंकिता सब्जी लेने मार्केट जाती है तो उसकी चमचमाती बनारसी साड़ी पर नजर पड़ती है जो कि 1,00,000 रुपए की थी। फिर वो वापस आ जाती है और सास से कहती है, माँ जी आपको पता है मैंने बहुत महंगी साड़ी देखी आज, देवरानी जी को देखकर मुझे भी बनारसी साड़ी पहनने का मन करता है, माँ जी आप मुझे एक सस्ती सी बनारसी ही दिला दीजिए, मैंने कब से साड़ी नहीं खरीदी। अच्छा तेरी शक्ल ऐसी है ना कि तुझ पर सस्ती बनारसी भी अच्छी नहीं लगेगी, समझी? तो ज्यादा हवा में अपने पंख मत फैला, धरती पर रहे, कोई जरूरत नहीं है तुझे नई बनारसी साड़ी खरीदने की। हर बार की तरह इस बार भी सुमित्रा अंकिता की आंखों में आंसू ले आती है। वक्त गुजरता है, एक शाम दोनों सास बहू शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो अंकिता से कहती है, सुन नासपीटी घर का ख्याल रखना, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। माँ जी आप इसे घर पर ही छोड़कर क्यों जा रही हैं? ऐसा कीजिए इसे भी ले चलते हैं, हमारा सामान पकड़ लेगी और 2-4 सब्जी भी खरीदनी है ना? अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही, चल नासपीटी हमारे साथ। जी माँ जी। फिर अंकिता भी उनके साथ चलती है जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती है। माँ जी ये देखिए ये हार कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहू अच्छा लग रहा है, चलें क्या सुनार की दुकान पर, तुझे तो पहले और बनारसी नई साड़ी देखनी है ना? हाँ माँ जी आज मैं आपको भी एक महंगी सी बनारसी साड़ी दिलाऊंगी। ये महंगी महंगी बनारसी साड़ी देखकर तो मेरा भी लेने का मन कर रहा है, पर क्या करूँ
मेरे पति सारे पैसे माँ जी को ही दे देते हैं। मेरी किस्मत में ही नहीं है ये साड़ी पहनना। अरे ट्रक आ रहा है, माँ जी हटिए, देवरानी जी ट्रक आ रहा है, हट जाइए, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अंकिता आते हुए ट्रक से बातों में लगे हुए अपनी सास और देवरानी को साइड करती है, जिससे वो दोनों तो बच जाती है पर अंकिता के सर और हाथ में चोट लग जाती है। जीठानी जी, जीठानी जी, ये क्या हुआ? माँ जी इनके तो बहुत सारा खून बह रहा है। हमें बचाने के चक्कर में बहू खुद हादसे का शिकार हो गई। बहू जल्दी चल, हॉस्पिटल ले चलते हैं इसे। फिर मोहिनी टैक्सी रोक कर अंकिता को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। कुछ देर बाद अंकिता को होश आता है। बहू, बहू तू ठीक तो है ना? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? इसके बावजूद भी कि हम दोनों तुझे कितना टॉर्चर करते हैं, मैंने तो तुझे बहुत कुछ शुरू से ही बोला है। हाँ जी ठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके साथ ये सब किया, फिर भी आपने हमारी जान बचाई, सो सॉरी। अरे अरे कोई बात नहीं, जो हो गया उसे जाने दीजिए, और मैं हर बात को अपने दिल पर नहीं लगाती। आप दोनों को उस ट्रक से नीचे आने थोड़ी देती, माफी की कोई बात नहीं, अब हम सब एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। हाँ जी ठानी जी, और अब ये मेरी सारी बनारसी साड़ियों पर आपका हक है, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, और मैं आपको नई साड़ी भी दिलवाऊंगी। फिर दो दिन में अंकिता ठीक हो जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू अंकिता को नई बनारसी साड़ी दिलाते हैं, और अंकिता का बनारसी साड़ी पहनने का सपना पूरा हो जाता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।